म्योसिस, ठीक। म्योसिस नाम सुना होगा, म्योसिस क्या, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। अब जो म्योसिस की प्रोसेस है स्टार्ट कहां से होती है, गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहले क्या, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस क्या है, गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, है ना, जिसमें गैमेट्स, और ये गैमेट्स क्या है, ये अपने ओवम और स्पर्म, जो कि अगर देखो तो एक मैटरनल और पैटर्नल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। पर जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है, ये क्या है, इट इज द प्रोसेस बाय विच द अर्ली जर्म सेल अंडरगोस प्रोसेस मियोसिस। मतलब जो जर्म सेल है, अब जर्म सेल कौन थी, अपनी वही ओवम और स्पर्म, ठीक। ये किसे, जो अर्ली जर्म सेल है वो इंटर कर रही है, किस पे इंटर कर रही है, अपने मियोसिस पे। मतलब जो डिवीजन होना है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, जो डिप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, वो कितने में कन्वर्ट होंगे, 23 पेयर नहीं अनपेयर, 23 पेयर सॉरी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। जो कि क्या है, मियोसिस, प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड साइटो डिफरेंशिएशन एंड इवेंचुअली मेच्योर इंटू गैमेट। मतलब ये मियोसिस की प्रोसेस जो ये हो रही है, इसमें क्या होगा, ये मैच्योर जाकर सेल बनेगी। तो यहां से जो अपने ये कहा है, एक अर्ली जर्म सेल है, ये अर्ली जर्म सेल, जिसमें से अर्ली जर्म सेल मैटरनल में क्या मिलेगा अपने को, उगोनिया मिलेगा, और पैटर्नल में अपने को क्या मिलेगा, स्पर्मेटोगोनिया मिलेगा। तब ये आगे की प्रोसेस में इंटर करेंगे, मियोसिस की प्रोसेस में इंटर करेंगे, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगी और फॉर्म होगी क्या, एक तो फीमेल में क्या मिलेगा अपने को, उगोनिया मिलेगा, और मेल में क्या मिलेगा, सॉरी मेल में अपने को क्या मिलेगा, फीमेल में अपने को क्या मिलेगा, ओवम मिलेगा, और मेल में अपने को क्या मिलेगा, मैच्योर स्पर्म देखने मिलेगा। अब ये पूरी प्रोसेस होती कैसी है वो देखना है। तो गैमेटोजेनेसिस में अगर देखो, तो गैमेटोजेनेसिस में पहली चीज क्या है, इन फीमेल और इन मेल, ठीक। अब फीमेल के केस में क्या हो रहा है, फीमेल में अपने क्या मिला, क्या प्रोसेस होगी फीमेल में, जेनेसिस, और इधर पे क्या प्रोसेस होगी, स्पर्मेटो जेनेसिस, ठीक। फीमेल में किसकी प्रोसेस हो रही है, ओजेनेसिस की हो रही है, और मेल में किसकी प्रोसेस हो रही है, स्पर्मेटो जेनेसिस की। देन ये प्रोसेस करवा कौन रहा है, किसके थ्रू होगी, मियोसिस, क्या मियोसिस, दोनों में क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, और या तो बोलो साइटो डिफरेंशिएशन, क्या साइटो डिफरेंशिएशन, मतलब जो सेल्स हैं वो क्या हो रही हैं, अलग हो रही है, ठीक है, साइटो डिफरेंशिएशन, जिसमें अपने क्या मिलेगा, मैच्योर, क्या मिलेगा अपने को, मैच्योर ओवम, और इधर मैच्योर स्पर्म, ठीक है। ये चीज किस पे हो रही है, एक मियोसिस की प्रोसेस पे हो रही है, फीमेल में क्या होगा, ओजेनेसिस की प्रोसेस होगी, मियोसिस इसके थ्रू क्या होगा, मियोसिस एंड साइटो डिफरेंशिएशन, देन मैच्योर ओवम का डेवलपमेंट होगा, देन मेल की कंडीशन में क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, मियोसिस और साइटो डिफरेंशिएशन होगा, और क्या होगा, मैच्योर स्पर्म का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अब आगे देखो, मियोसिस में अगर इसके, अब यहाँ पे दो प्रोसेस है, ठीक है, ये जो चीज चल रही है वो, इसमें तुमको दो चीजें देखने मिलेंगी, जैसे कि अब इसको अपन म्यूसिस को अपन और क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन, क्या रिडक्शन डिवीजन, इसको अपन रिडक्शन डिवीजन क्यों बोल रहे हैं, म्यूसिस को रिडक्शन डिवीजन क्यों बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक अगर सेल है, हाँ, एक अगर सेल है जिसमें दो सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब डॉटर, दो डॉटर सेल फॉर्म हो रही है, जिसमें अपने को जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने मिलेंगे,
इधर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 46 हैं, इधर कितने हो गए? 23 एंड 23. चीज क्या हुई है? डिक्रीज हुई है. चीज क्या हुई है? डिक्रीज हुई है. इसीलिए मियोसिस को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन. और इसका दूसरा नाम क्या है? रिडक्शन डिवीजन. क्यों? क्योंकि जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं. पर ये केस माइटोटिक डिवीजन में, किसमें? माइटोटिक डिवीजन में, जैसे लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि माइटोटिक डिवीजन में नहीं हो रहा है. अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो जो विभाजन होगा, है ना, जो डिवीजन होगा इसमें, वो कितना कितने का होगा? 46 का ही होगा, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन. यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ठीक, चलो. अब बात आती है किसकी? मियोसिस की. ठीक, अब मियोसिस में देखो, अपने पास दो सेल है. कौन कौन सी? एक मैटरनल और एक पैटर्नल. तो मैटरनल में अपने को क्या देखने मिलेगा? मैटरनल में अपने को क्या देखने मिलेगा? मैटरनल साइड पे किसकी प्रोसेस होती है? अर्ली जर्म सेल में. अर्ली जर्म सेल में ये कौन सेल है? अर्ली जर्म सेल है. मतलब ये हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है? हमारी बॉडी में ये चीज प्रेजेंट है. बनी बात है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे बॉडी में एक मैटरनल मतलब मदर के क्रोमोसोम और पैटर्नल फादर के क्रोमोसोम दोनों प्रेजेंट है. ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई कंफ्यूजन? चलो ठीक है. तो यहां तक की प्रोसेस पे क्या हुआ? जो मैटरनल साइड है, क्या मैटरनल पे अपने को जो अर्ली जर्म सेल है, ये प्रोसेस किस पे? अर्ली जर्म सेल पे, मैटरनल साइड पे अपने को क्या मिलेगा? उगोनिया मिलेगा. और पैटर्नल साइड पे अपने को स्पर्मेटोगोनिया. मतलब जो उगोनिया है, एक अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूं, ठीक है, तो मैटरनल में मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम टोटल कितने हैं मेरे पास अभी? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है. जब 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब जो क्रोमोसोम्स अपन काउंट करते हैं वो किसके बेस पे काउंट करते हैं? जो सेंट्रोमियर के बेस पे. क्रोमोसोम अपन किसके बेस पे काउंट करते हैं? सेंट्रोमियर के बेस पे काउंट करते हैं. तो जो ये प्रोसेस है उगोनिया और स्पर्मेटोगोनिया की, तो मनी बात है, अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहां से आए? मैटरनल साइड से. और 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पैटर्नल साइड से. मतलब दोनों के जीन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है. पर जब ये आगे चल के मैच्योर स्पर्म या स्पर्म की मेल में, है ना, पैटर्नल साइड पे अगर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है और फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा? दोनों के क्रोमोसोम, मतलब अपने को मैटरनल और पैटर्नल दोनों के क्रोमोसोम फॉर्म मिलेंगे. पर ये प्रोसेस होती कैसे है अपने को ये देखना है. ठीक है, किस पे? एक मियोसिस के थ्रू, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मियोसिस डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन के नाम से भी जानते हैं. अब इसमें क्या हो रहा है? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने? 46 डिप्लॉइड, जिसको अपन क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड. अब देखो, डिप्लॉइड क्यों बोल रहे हैं अपन? क्योंकि डिप्लॉइड में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? ये सेंट्रोमियर. क्या? सेंट्रोमियर. ठीक, अब इसको अपन किसके बेस पे काउंट करते हैं? सेंट्रोमियर के बेस पे काउंट करते हैं. जैसे समझो, मान लो ये क्रोमोसोम है, जो कि इसको अपन क्या बोलते हैं? शॉर्ट आर्म. इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग आर्म. ठीक, शॉर्ट आर्म को अपन किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल पी से. और लॉन्ग आर्म को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल क्यू से. ठीक, पर ये जो सिंगल स्ट्रक्चर, इसको ये क्या है? सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है. क्या? सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है, जो कि अपन इसको किस बेस पे काउंट करते हैं? एक सेंट्रोमियर के बेस पे काउंट करते हैं. ठीक, तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 23. हाँ, जो कि क्या है? स्मॉल. हाँ, 23. किस पे? मैटरनल. और 23 पैटर्नल. टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए? 46. ठीक है, जो कि अपन इसको क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड. क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम कितने हैं? डबल क्रोमोसोम है. ठीक, अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये सिंगल स्ट्रक्चर है किसका? एक क्रोमोसोम का. अब ये सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का अपन इसको किसके बेस पे काउंट करते हैं? क्रोमोसोम के बेस पे काउंट करते हैं. जो कि अगर सिंगल स्ट्रक्चर है, एक सिंगल क्रोमोसोम है, तो अपन इसको किसे डिनोट करते हैं? वन स्मॉल
एन, किसे डिनोट करते हैं, वन स्मॉल एन। देन अगर इसी पे क्रोमेटिड मटेरियल प्रेजेंट है, क्या डबल स्ट्रक्चर क्रोमेटिड मटेरियल प्रेजेंट है, तो अपन इसको किससे डिनोट करते हैं, वन कैपिटल एन। ठीक, तो यहां पे जो चीज है, अगर इस पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, अब आगे चल के जब ये क्या होंगे, इन पे डिवीजन होगा, क्या होगा, जब ये इस पे जो जो प्रोसेस है, चीज क्या होगी, रेप्लिकेट होगी, जो क्रोमेटिड मटेरियल है वो रेप्लिकेट होगा, तो ये सिंगल स्ट्रक्चर से किसमें कन्वर्ट होगा, डबल स्ट्रक्चर पे। जैसे कि देखो ठीक, एक मैटरनल है और एक पैटर्नल, ये क्या हो गया मैटरनल और ये क्या है, इस पे क्रोमेटिड मटेरियल, दोनों में तो अभी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू स्मॉल एन, टू स्मॉल एन, एंड क्रोमेटिड मटेरियल कितना है, टू कैपिटल एन। ठीक, मतलब और जो जिसपे क्या प्रेजेंट है, अपना जीन मटेरियल प्रेजेंट है। अब ये जो क्रोमेटिड है, जीन मटेरियल क्या है, मतलब सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, वो क्या है, जीन कहलाता है, जो कि एक सीक्वेंस है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। ठीक, अब इसी में क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, जो जीन मटेरियल है, जो कि मैटरनल और पैटर्नल साइड से अपने को ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, अब देखो कि अगर क्रोमोसोम नंबर मान लो 3 किसका, मैटरनल का, और 3 किसका, पैटर्नल का, किसका क्रोमोसोम नंबर 3 किसका, मैटरनल का, और क्रोमोसोम नंबर 3 किसका, पैटर्नल का, तो अगर ये लोकस, इस लोकस पे कलर ऑफ आई क्या प्रेजेंट है, आई का कलर प्रेजेंट है, और इस लोकस पे भी आई का कलर प्रेजेंट है, तो ये जो चीज है ना, सेम 3 नंबर का क्रोमोसोम है और 3 नंबर का क्रोमोसोम, मतलब दोनों चीज अगर क्या होगी, अटैच होगी। ठीक, देन आगे चल के तो जो आगे आने वाली जनरेशन है उस पे क्या होगा, चीज जो उस पे देखने मिलेगी, देन सेम नेक्स्ट इस पे क्या मिलेगा, ये अगला लोकस, ठीक, नोज का है, तो दोनों चीज आकर जो सेम लोकस है वो अदर जगह पे जाकर बाइंड नहीं करेगा, वो सेम जगह पे जाकर बाइंड करेगा। अगर जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एंजाइम है ना, वो भी अगर लोकस प्रेजेंट है, तो वो भी क्या, एक सेम लोकस, अपनी लोकस के पे जाकर क्या करेगा, एक डीएनए स्ट्रक्चर के साथ बाइंड करेगा। अब यहां पे जिसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, अलील, क्या बोलते हैं अपन इसको, अलील बोलते हैं, जिसपे क्या लोकस है ना, जिसपे क्या पड़ा हुआ है, अपना जीन मटेरियल है ना, वो प्रेजेंट है, जो कि क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। ठीक, अब यहां पे क्या हो रहा है, जब अब इस पे, ठीक, जब एक क्योंकि ये क्या था, सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम था, अब अगर ये रेप्लिकेट हुआ, क्या होगा, अब इस पे अगर रेप्लिकेशन होगा, तो जो डीएनए स्ट्रक्चर है, ये क्या था, किसका था, मैटरनल और ये किसका, पैटर्नल। ठीक, तो पर यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर तुम इसको काउंट करोगे, तो अभी सिर्फ इसकी बात करो, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपन किसके बेस पे काउंट कर रहे हैं,
सेंट्रोमियर के बेस पे काउंट कर रहे हैं, तो यहां पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कितने हैं, टू स्मॉल एन, मतलब यहां पे जो प्रेजेंट अभी भी क्या है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम अभी भी क्या है, और वो डिप्लॉइड सेल है, अभी भी क्या है वो डिप्लॉइड सेल है। पर अगर क्रोमेटिड मटेरियल की बात करो, किसकी, क्रोमेटिड मटेरियल की बात करो, तो क्रोमेटिड मटेरियल क्या है, वो क्या हुआ है, वो रेप्लिकेट हुआ, क्रोमेटिड मटेरियल क्या हुआ है, रेप्लिकेट हुआ है, और जो अपना ये क्या था, सेंट्रो मियर, ठीक है। तो इसको अपन, जैसे कि अपन ने देखा था कि जो अपना ये क्रोमोसोम है, अपन इसको किस बेस पे काउंट करते हैं, सेंट्रो मियर के बेस पे काउंट करते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रो मियर कितना है, एक और दो है, पर रेप्लिकेशन किस में हुआ है, क्रोमेटिड मटेरियल में हुआ है। तो अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितने हो जाएंगे, 4N, क्या 4N, 1, 2, 3, 4, जैसे कि अपन यहां पे देखा था इसमें क्रोमेटिड मटेरियल कितने थे, दो थे, तो कितना था, टू स्मॉल एन था, सॉरी कैपिटल एन था, और क्रोमोसोम भी कितने थे, सेंट्रोमियर के बेस पे दो, तो ये क्या था, टू स्मॉल एन था। सेम यहां पे सेंट्रोमियर कितना है, दो सेंट्रोमियर है, पर जो क्रोमेटिड मटेरियल है वो कितना है, 4N है, तो अपन इसको क्या, किसे डिनोट किया, 4N, जो कि क्या है, क्रोमेटिड मटेरियल, ठीक। इस पे अपन अगर देखें तो जो सिंगल स्ट्रक्चर आल्सो कॉल्ड क्रोमोसोम विद वन क्रोमेटिड, या और क्या बोलते हैं इसको अपन, अनडुप्लीकेटेड, मतलब जो ये स्ट्रक्चर है इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम विथ वन क्रोमेटेड, जो क्रोमोसोम है वो किसके साथ है, सिंगल क्रोमेटेड के साथ है, और साथ में क्या बोलते हैं, अनडुप्लीकेटेड, बनी बात है, इस पे डुप्लीकेशन नहीं हुआ है। पर जो ये क्रोमोसोम है जो कि अपने को इस प्रोसेस में देखने मिल रहा है, आगे चल के चीज क्या हुई है, सिंगल से डबल हुई है, मतलब डुप्लीकेट हुई है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सिंगल क्रोमोसोम विथ टू क्रोमेटेड एंड डुप्लीकेटेड, या तो क्योंकि इस पे क्या हुआ है, डुप्लीकेशन हुआ है, दो चीज मिली है, और साथ में ये जो प्रोसेस है ना, सिंगल स्ट्रक्चर से जो डबल स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, एक क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमियर, एक दो सेंट्रोमियर, और जो अपना क्रोमेटेड मटेरियल है वो कितना है, 4 है, ठीक है। जिसमें अपने क्या मिलेगा, इसमें अपने क्या मिलेगा, सिमिलर जेनेटिक मटेरियल, बनी बात है, इसके जो जेनेटिक मटेरियल वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, क्रोमोसोम आर होमोलोगस टू ईच अदर, बनी बात है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो होमोलोगस होते हैं, होमोलोगस मतलब जो है कि अगर क्रोमोसोम नंबर 1 है तो क्रोमोसोम नंबर 1 के साथ ही बाइंड करेगा, 2 के साथ बाइंड नहीं करने वाला। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, जिसमें से 22 नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे है, ऑटोसोमल है, एंड 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसा है, XY है, सेक्स क्रोमोसोम जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो Then homologous chromosome the gene with having the sum loci, ठीक। अब sum loci जो इसने बोला, जो locus अपन ने देखा था at the position, ये अपने position में present है और क्या कर रहे हैं, जीन मटेरियल को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। फिर सम एंड सिमिलर फंक्शन, जो कि उनका क्या है, सिमिलर फंक्शन है, और डिटेक्टिंग द सिमिलर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, दिस जीन आर कॉल्ड अलील, अपन उसको क्या बोला था, अपन ने अलील बोला था, ठीक है। तो यहां पे रेप्लिकेशन हो किसका रहा है, डीएनए मटेरियल का रेप्लिकेशन हो रहा है, जो कि फॉर्म कर रहा है क्या, डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम, क्या फॉर्म कर रहा है, डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम काउंटिंग बेसिकली काउंटेड बाय द क्रोमो सेंट्रोमियर, अपन क्रोमोसोम को किसके बेस पे काउंट करते हैं, अपन सेंट्रोमियर के बेस पे काउंट करते हैं, ठीक है। अब देखो जो आगे की प्रोसेस है, ठीक। अब जो ये चीज फॉर्म हुई इसको अपन क्या बोलेंगे, यहां तक की चीज क्लियर है, ठीक। तो अब जो रेप्लिकेटिंग डीएनए है, जो 2N मतलब डिप्लॉइड, 2 स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 डिप्लॉइड, एंड क्रोमेटिड मटेरियल कितना है, 4N, ठीक। तो अब ये चीज जो प्रोसेस फॉर्म हुई है इसको अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी गैमेट, क्या प्राइमरी गैमेट, ये क्या कहलाएगी,
प्राइमरी गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है? प्राइमरी गैमेट बन रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पे प्राइमरी गैमेट, अब प्राइमरी गैमेट में अपने को क्या मिलेगा, क्योंकि ये किसकी, यहां पे हमारी बॉडी में ये प्रोसेस चल रही है जो कि किस नाम से, यहां पे अर्ली जर्म सेल ओगोनिया और स्पर्मेटोगोनिया। मतलब अगर ये फीमेल में है प्राइमरी गैमेट फॉर्म होगा तो मेल में क्या मिलेगा अपने को, स्पर्मेटोसाइट, और मेल फीमेल में क्या मिलेगा, मतलब मैटरनल साइड पे क्या मिलेगा, ओसाइट, ठीक। तो ये प्रोसेस जो है किस पे, फीमेल पे मैटरनल साइड पे, वो किस नाम से चलेगी, ओसाइट पे, और पैटर्नल पे स्पर्मेटोसाइट, ठीक। तो ये अब इस पे क्या हो रहा है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो तो अपने को सेम मिलेंगे, ठीक, पर जो सेंट्रोमियर है वो भी सेम है, ईच क्रोमोसोम डबल स्ट्रक्चर डुप्लीकेटेड और डबल क्रोमेटेड क्रोमोसोम, ठीक। अब देखो ये क्या था, प्राइमरी गैमेट, पर अब जो अगली प्रोसेस है जो कि क्या है, अब जो लोकस है, ठीक, अब जो जैसे कि अपन ने देखा था कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं होमोलोगस, कैसे होते हैं, होमोलोगस होते हैं, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है कि प्राइमरी गैमेट अब फॉर्म हो गया, देन अगली स्टेज में क्या होगा, जिसको अपन ने क्या बोला था, प्राइमरी गैमेट, ठीक, मेल में मैटरनल साइड पे क्या, मैटरनल साइड पे क्या, ओसाइट और स्पर्मेटोसाइट, ठीक, ये फॉर्म होगा। अब अगली प्रोसेस क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स है वो कैसे हैं, होमोलोगस है, मतलब जो नंबर ऑफ, ये क्या हो गया, मैटरनल, और ये क्या हो गया, पैटर्नल, ठीक। मैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 3 और ये भी 1, 2, 3, ठीक है। सेंट्रोमियर ठीक, ये चीज फॉर्म हुई। अब देखो जैसा कि था कि ये जो स्ट्रक्चर है प्राइमरी गैमेट फॉर्म हो गया, प्राइमरी गैमेट के बाद अगली प्रोसेस जो है उसमें क्या हो रहा है कि जो होमोलोगस है मतलब जो क्रोमोसोम है वो आपस में क्या होंगे, पास आएंगे, ठीक, पास आएंगे, मतलब कि चीज क्या हो रही है, इसमें देख सकते हो कि चीज आकर एक दूसरे के काफी पास है, मतलब जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है ना, ठीक, यहां पर आकर चीज क्या हो रही है, मिल रही है, क्या हो रही है, चीज आकर मिल रही है, मतलब इस प्रोसेस में चीज पहले आई, जिसको अपन ने क्या बोला, साइनेप्सिस, मतलब ये जो प्रोसेस है ये क्या कहला रही है, साइनेप्सिस की, किसकी, साइनेप्सिस, क्या बोलते हैं अपन इसको, साइनेप्सिस बोल रहे हैं। देन जहां पे चीज क्या कर रही है, अब साइनेप्सिस के बाद चीज क्या कर रही है,
क्रॉस कर रही है, क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्रॉस, क्या बोल रहे हैं, जो अगली प्रोसेस है कौन सी, क्रॉस ओवर की। तो प्राइमरी गैमेट में क्या हुआ था, चीज रेप्लिकेट हुई थी, प्राइमरी गैमेट में अर्ली जर्म सेल से क्या हुआ था, जो क्रोमेटिन मटेरियल था वो क्या हुआ था, रेप्लिकेट हुई थी। देन दूसरे केस में, साइनेसिस के केस में क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम्स है वो कहां आ रहे हैं, अपने अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के पास आ रहे हैं। जैसे नंबर ऑफ वन क्रोमोसोम है तो नंबर ऑफ वन क्रोमोसोम मैटरनल, नंबर ऑफ वन क्रोमोसोम पैटर्नल, नंबर ऑफ टू एंड मैटरनल एंड पैटर्नल, थ्री एंड मैटरनल एंड पैटर्नल, वन टू थ्री। तो मतलब जो ये क्रोमोसोम्स है ये अपने अपने क्रोमोसोम्स के पास जा रहे हैं, मतलब कुल मिला के अपनी चीज को ढूंढकर अपने पास लाना। अगर एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां प्रेजेंट है, ठीक है, और एक यहां प्रेजेंट है, तो बड़ी बात है, ये क्रोमोसोम क्या करेंगे, अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम को ढूंढेंगे। और जैसे कि अगर ये ब्लू कलर का मार्कर है, ठीक, तो ये नंबर ऑफ क्या हो गया और ये ब्लू हो गया, तो ये कहीं भी रहेगा, ये ब्लू के साथ ही बाइंड करेगा, ना कि ब्लैक के साथ, ठीक। तो यहां पर जो मैटरनल जो स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है, ये किस प्रोसेस में हो रहा है, साइनेप्स, मतलब जहां पे चीज आकर जुड़ रही है, ठीक। तो इसपे क्या है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ मियोसिस, इसको अपन क्या बोलते हैं, मियोसिस की फर्स्ट स्टेज में क्रोमोसोम मैटरनल एंड पैटर्नल ऑलरेडी डबल स्ट्रक्चर, अपने को पता है जो मैटरनल है, मैटरनल पैटर्नल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, डबल स्ट्रक्चर है। दिस होमोलोगस क्रोमोसोम लुक फॉर द होमोलोगस पार्टनर, मतलब ये जो अपने पार्टनर को क्या कर रहे हैं, ढूंढते हैं और उसके पास जाते हैं कि भैया कहां हो, और बाइंड करते हैं। फिर क्या है, एंड एवरी होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर इटसेल्फ, और साथ में क्या कर रहे हैं, ये खुद से पेयर फॉर्म कर रहे हैं, मतलब ये दोनों आपस में, जैसे नंबर ऑफ वन क्रोमोसोम है तो नंबर ऑफ वन क्रोमोसोम मैटरनल का और पैटर्नल का क्या कर रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं, जिस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, क्रॉस ओवर। और ये प्रोसेस हो किसके में, किसमें रही है, साइनेप्सिस में, मतलब जब ये ढूंढ किस पे रहे, साइनेप्सिस की प्रोसेस में। अगर नंबर ऑफ वन क्रोमोसोम मैटरनल का है और नंबर ऑफ वन क्रोमोसोम पैटर्नल का है, दोनों होमोलोगस होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो मैटरनल और पैटर्नल के वो साथ में मिल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं साथ में, ठीक है, पेयर इटसेल्फ लेंथ वाइज एंड पॉइंट टू पॉइंट, साथ में क्या, लेंथ वाइज, मतलब जो उनकी लेंथ है और जो उनका क्या है, तुम्हारा पॉइंट है ना, जिसको अपन ने क्या बोला, अलेस सेम पॉइंट पे वो बाइंड कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर रहे हैं, जिस प्रोसेस को अपन ने क्या बोला, साइनेप्सिस। देन क्रॉसओवर, क्रॉसओवर में क्या हो रहा है, मेकिंग, सॉरी, लेंथ वाइज पॉइंट टू पॉइंट मेकिंग द पेयरिंग, इट इज कॉल्ड साइनेप्स। अब ये क्या कर रहा है, जो पेयर फॉर्म कर रहा है ना, ये जो एक जोड़ा बन रहा है ना, किसका, नंबर ऑफ थ्री मैटरनल क्रोमोसोम का और पैटर्नल क्रोमोसोम का, जो तीसरे नंबर का, ये क्या फॉर्म कर रहा है, पेयर फॉर्म कर रहा है, और जिसको अपन ने क्या बोला, साइनेप्स बोला। अब यहां पर क्या हो रहा है, अगली प्रोसेस पे जब इनका साइनेप्स फॉर्म हो गया, तो अभी ये चीज क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रहे हैं, तो स्टार्ट एक्सचेंजिंग द ब्लॉक, ठीक। अब क्या हो रहा है, इनके जो इस प्रोसेस में, किस पे, क्रॉस ओवर की प्रोसेस पे, स्टार्ट एक्सचेंजिंग द ब्लॉक ऑफ जीन विद ईच अदर, दोनों के साथ क्या कर रहे हैं, अपने ब्लॉक्स को चेंज कर रहे हैं, ठीक, जिसमें अभी देखते हैं अपन उसको, द वन क्रोमोसोम थाउजेंड ऑफ जीन, मतलब जो एक क्रोमोसोम है वो थाउजेंड ऑफ जीन को क्या कर रहा है, और जीन क्या है, जीन क्या है, अपन ने देखा था कि सिक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, जिसपे जीन, जीन मटेरियल अपना मटेरियल का पैटर्नल का प्रेजेंट है। एक्सचेंज द अलील अदर एक्सचेंजिंग ब्लॉक, अब क्या कर रहे हैं, जो अलील्स है वो क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, किस प्रोसेस में, क्रॉस ओवर की प्रोसेस में, मतलब जो चीज है मैटरनल और पैटर्नल की वो क्या हो रही है, क्रॉस ओवर की प्रोसेस में एक्सचेंज हो रही है, जो कि इस पे आप देख सकते हो, है ना, ठीक। क्रॉसओवर के बाद अब यहां पे क्या हो रहा है, इन्होंने क्या किया,
जो मटेरियल है किसका, मैटरनल का किस पे आ गया, पैटर्नल पे, और पैटर्नल किस पे आ गया, मैटरनल पे। ठीक है, ये प्रोसेस किस प्रोसेस में हुआ, ये किसके थ्रू हुआ, जब इन्होंने यहां पे क्या किया था, क्रॉस ओवर किया था, किस पे, क्रॉस ओवर की प्रोसेस पे इन्होंने जब क्रॉस किया तो इन्होंने क्या किया, अपने ब्लॉक्स को चेंज किए, जिसको अपन ने क्या बोला, फॉर्मेशन ऑफ क्यास्मा, क्या, फॉर्मेशन ऑफ क्यास्मा। तो ये जो प्रोसेस हुई इसको अपन ने क्या बोला, फॉर्मेशन ऑफ क्यास्मा, क्या, फॉर्मेशन ऑफ क्यास्मा। ठीक है, तो या जो फॉर्मेशन ऑफ क्यास्मा हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, जिसके ब्लॉक से वो क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। अब इसमें फॉर्मेशन ऑफ क्यास्मा में क्या हो रहा है, जो पैटर्नल क्रोमोसोम है, क्या, जो मैटरनल क्रोमोसोम के ब्लॉक्स, मैटरनल क्रोमोसोम में किसके ब्लॉक्स मिल रहे हैं अपने को, पैटर्नल क्रोमोसोम के, और पैटर्नल क्रोमोसोम में अपने को किसके ब्लॉक मिल रहे हैं, मैटरनल क्रोमोसोम्स के। तो इसमें क्या है, गो अवे एंड रिकॉम्बिनेशन, यहां पे क्या हो रहा है, चीज रिकॉम्बिनेशन हो रही है, जिसमें क्या है, पैटर्नल क्रोमोसोम नॉट प्योरली पैटर्नल सम मैटरनल, मतलब जो अपना मैटरनल क्रोमोसोम है वो क्या, सॉरी जो पैटर्नल क्रोमोसोम है वो कैसा है, प्योर नहीं है, उसमें किसके कुछ चीजें किसकी प्रेजेंट है, मैटरनल की। सेम वैसे ही मैटरनल क्रोमोसोम नॉट प्योरली मैटरनल सम पैटर्नल मटेरियल, मतलब जो मैटरनल क्रोमोसोम है वो कुछ पैटर्नल क्रोमोसोम के मॉलिक्यूल लेकर प्रेजेंट है। ठीक है, देन जिसको अपन ने क्या बोला, फॉर्मेशन ऑफ क्यास्मा। ठीक है, यहां तक अपन ने क्या देखा था कि दो गैमेट्स थे, है ना, गोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक, अभी यहां पे क्या हुआ था, प्राइमरी गैमेट डेवलप हुआ था, जिसमें से या तो ओसाइट देख लो फीमेल में, क्या, ओसाइट एंड मेल में स्पर्मेटोसाइट। देन यहां पे अगली प्रोसेस क्या हुई थी, साइनेप्सिस, दोनों क्रोमोसोम्स क्या हुए थे, पास-पास हुए थे, देन क्रॉसओवर। देन उन्होंने क्या किया था, अपने-अपने क्रोमोसोम्स को, मतलब उन्होंने ढूंढा और क्रॉस करने के बाद अपने एलील्स क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, जिसको अपन एक्सचेंज करने के बाद, इस पे क्रॉसओवर करने के बाद जो प्रोसेस हो रही है, उन्होंने क्या किया, अगली प्रोसेस पे क्रॉसओवर करने के बाद जो पैटर्नल साइड के क्रोमोसोम्स थे, अलील्स थे, वो किसने किस पे आ गए, मैटरनल पे, और मैटरनल वाले किस पे आ गए, कुछ मैटरनल वाले पैटर्नल पे। ठीक है, देन अगली प्रोसेस किसकी हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ क्यास्मा। अब जब यहाँ पे अलील्स क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए, तो धीरे धीरे सेल क्या हो रही है, ये अलग हो रहे हैं। ठीक, देन अब जो अगली प्रोसेस है वो कौन सी है, अलाइनमेंट। क्या, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में क्या हो रहा है, अलाइनमेंट। ठीक, अलाइनमेंट में क्या हो रहा है, अब यहां से जब दो सेल क्या होगी, जब ये सेल अलग होना स्टार्ट होगी, तो इसको अपन बोल सकते हैं रैंडम असॉर्टेड एंड एलोशन ऑफ डबल स्ट्रक्चर होमोलोगस क्रोमोसोम गॉन अंडर द प्रोसेस ऑफ क्रॉसओवर। ठीक, अब यहां पे क्रॉसओवर होने के बाद जब इनमें क्या हुआ, चीज अलग हुई। ठीक, अब देखो जैसे कि यहां पे क्या हुआ था, चीज क्रॉसओवर हुई, क्रॉसओवर होने के बाद फॉर्मेशन ऑफ क्यास्मा, जो क्रोमोसोम से और उसके एलील्स थे वो क्या हुए, सेपरेट हुए। ठीक, जब सेपरेट हुए तो अलाइनमेंट की प्रोसेस पे क्या हो रही है, ये जो क्रोमोसोम है, जिसमें अपने को पता है ये क्या था, मैटरनल एंड पैटर्नल, और मैटरनल के पास किसका क्या, किसके एलील्स प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है अपने पैटर्नल के, और पैटर्नल में किसके प्रेजेंट है, मैटर्नल के, मतलब ये दोनों सेल लेकर चल रही है। अब यहाँ पे जब ये चीज सेपरेट हो रही है तो आगे चल के क्या बन रही, दो डॉटर सेल बन रही है, पर ये डॉटर सेल जैसे देखो ठीक, यहां पे क्या हुआ, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वन पेयर एक क्रोमोसोम का, है ना, ये हुआ दूसरा पेयर और तीसरा पेयर। ठीक, तीन पेयर, ऐसे तरीके से कितने पेयर बनेंगे, 23
पेयर बनेंगे। अब जब यहाँ पे एक पेयर इनका बन रहा है, दो पेयर इनका बन रहा है, तीन पेयर इनका बन रहा है, जिसपे अपने को पता है कि इसपे है ना, ये वाले क्रोमोसोम के पास अलील प्रेजेंट है, इसके पास भी प्रेजेंट है, हाँ, और इसके पास भी प्रेजेंट है, किसके मैटरनल पे, पैटर्नल के प्रेजेंट है, देन यहां पे क्या, पैटर्नल पे मैटरनल, पैटर्नल पे मैटरनल के प्रेजेंट है, पर जब दो डॉटर सेल फॉर्म हो रही है, क्या, पर जब दो डॉटर सेल फॉर्म हो रही है तो यहां पे क्या हो रहा है, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, सेकंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम, थर्ड पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो टोटल कितने पेयर है क्रोमोसोम के, 23 पेयर है क्रोमोसोम के, ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमें को देखने मिलेंगे। अब यहां पे क्या हो रहा है कि देखो वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो गया, ठीक, अब आगे की अलाइनमेंट की प्रोसेस पे क्या हुआ कि इस पे पैटर्नल पे मैटरनल पे तीनों पे किस पे पैटर्नल के अलील्स प्रेजेंट है, सेम पैटर्नल पे मैटरनल के अलील्स प्रेजेंट है, तो जब अलाइनमेंट की प्रोसेस हो रही है दोनों सेल्स क्या हो रही है सेपरेट हो रही है, क्या हो रही है दोनों सेल सेपरेट हो रही है, तो दो डॉटर सेल फॉर्म हो रही है, कितनी डॉटर सेल बन रही है, दो डॉटर सेल जब बन रही है तो यहां पे एक दो तीन, तो फर्स्ट डॉटर सेल बनी, फर्स्ट डॉटर सेल बनी, देन एक दो और थ्री, यहां पे सेकंड डॉटर सेल बन रही है, क्योंकि ऐसे कितने हैं 23 नंबर ऑफ पेयर, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब अगर सपोज, मतलब ऐसी बात कर रहा हूं कि सपोज मान लो ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से अगर अरेंज्ड हैं तो यहां पे ये किसकी सेल हो गई, ये कौन सा क्रोमोसोम हो गया मैटरनल का, है ना, ये किसका हो गया मैटरनल का, ये किसका हो गया सिंगल पैटर्नल का, ठीक, तो यहां पे जो दो डॉटर सेल हैं उसके पास ज्यादा फीचर्स किसके जा रहे हैं मैटरनल के विद अलील्स प्रेजेंट ऑलरेडी, ठीक, यहां पे अगर तुम देखो तो दो पैटर्नल है और एक मैटरनल है, तो जो दूसरी जो सेल बन रही है ना, जो दूसरी सेल बन रही है, तो यहां पे जो दो सेल फॉर्म हो रही है कौन कौन सी, फर्स्ट डॉटर सेल एंड सेकेंड डॉटर सेल, अब जो यहां पे जो फर्स्ट डॉटर सेल एंड सेकेंड डॉटर सेल जो फॉर्म हो रही है, अब यहां पे क्या हो रहा है, इसको अपन बोलते हैं क्या सेकेंडरी गैमेट, इसको अपन क्या बोलते हैं सेकेंडरी गैमेट या मियोसिस सेकेंड, क्या बोलते हैं अपन इसको सेकेंडरी गैमेट या मियोसिस सेकेंड, और यहीं पे प्राइमरी गैमेट जो फॉर्म करता है क्या मियोसिस फर्स्ट, ठीक, अब यहां पे जब मियोसिस सॉरी सेकेंडरी गैमेट जो फॉर्म हो रहा है, जहां यहां पे क्या फॉर्म हुआ था प्राइमरी गैमेट और यहां पे क्या बना था सेकेंडरी गैमेट, क्या बना सेकेंडरी गैमेट, ठीक, अब जब सेकेंडरी गैमेट बन रहा है मतलब कितनी कितने डॉटर सेल बन रही है, दो डॉटर सेल बन रही है, कि इस प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ क्यास्मा हुई, जब अलाइनमेंट की प्रोसेस हो रही है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को टोटल कितने 23 पेयर ऑफ, कितने 23 पेयर क्रोमोसोम है, ठीक, तो यहां पे क्या हुआ वन पेयर फॉर्म हुआ, ठीक, यहां पे क्या हुआ सेकेंड पेयर फॉर्म हुआ और यहां पे थर्ड पेयर फॉर्म हुआ, ठीक, वन पेयर सेकेंड पेयर एंड थर्ड पेयर, जब यहां पे थर्ड टोटल इतने ऐसे पेयर कितने बनेंगे 23 पेयर बनेंगे। अब यहां पे देखो कि ये क्या है मैटरनल, ये क्या है मैटरनल, ये तो पैटर्नल है ना, ये क्या है रेड वाला मैटरनल और ब्लू वाला पैटर्नल, तो जब दो डॉटर सेल बन रही है तो एक इसका स्ट्रक्चर आ रहा मैटरनल का, एक इसका आ रहा, मतलब ये एक साइड पे सेपरेट हो रहे हैं, ये क्रोमोसोम्स एक साइड पे सेपरेट हो रहे हैं एक इधर पे, तो अगर यहां पे एक सेल बनेगी तो यहां पे पैटर्नल के मैटरनल के कितने क्रोमोसोम आ रहे हैं दो और मैटरनल का एक, मतलब जो ज्यादा चीजें हैं वो किसकी आ रही हैं मैटरनल की, तो यहां पे क्या बन रहा है ये फर्स्ट डॉटर सेल, फर्स्ट डॉटर सेल है ना, देन यहां पे एक दो और तीन, तो यहां पे सेकेंड डॉटर सेल बन रही है, पर यहां पे पैटर्नल क्या एक मैटरनल, पैटर्नल का दो और मैटरनल का एक, तो ये जो चीज बन रही है मतलब इसके पास पैटर्नल की चीज ज्यादा है, ठीक, तो ये चीज अलाइनमेंट, जब अलाइनमेंट की प्रोसेस हो रही है तो एक क्रोमोसोम पूरे 23 अलग हो रहे हैं और एक क्रोमोसोम 23 अलग हो रहे हैं जो कि फॉर्म कर रहे हैं फर्स्ट डॉटर सेल एंड सेकेंड डॉटर सेल, देन जो कि उसको अपन क्या बोलते हैं सेकेंडरी गैमेट, क्लियर हुआ, ठीक है।
ठीक, पर इन केस अब समझो कि यहाँ पे मेल के केस, फीमेल के केस पे, मतलब ऊ साइड के केस में, मेल के केस में, सॉरी फीमेल के केस में क्या हो रहा है कि जो दो डॉटर सेल बन रही है, एक डॉटर सेल क्या फॉर्म करेगी, ओवम फॉर्म करेगी, और जो दूसरी डॉटर सेल है वो क्या फॉर्म करेगी, पोलर बॉडी, वो क्या फॉर्म करेगी, फीमेल में पोलर बॉडी। क्यों? क्योंकि यहां पे जो उसका साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सेकेंडरी पोलर बॉडी में जो उसका साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है, किसमें, फीमेल्स में, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पे जो चीज डेवलप हो रही है क्या, यहां पे जो फीमेल में क्या, फीमेल में प्राइमरी सेल ऊसाइट है और सेकेंडरी फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंडरी फर्स्ट पोलर बॉडी। पर मेल के केस में ये क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन ये भी स्पर्मेटोसाइट है, क्या ये भी स्पर्मेटोसाइट है, स्पर्म सेल प्रोड्यूस करेगी, और ये भी उस पे ऐसा कुछ नहीं है मेल पे, पर फीमेल पे सिर्फ और सिर्फ ओवम एंड इस पे फर्स्ट पोलर बॉडी। ड्यू टू लेस साइटोप्लाज्म स्ट्रक्चर, जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है, जो साइटोप्लाज्म है वो कम हो रहा है फीमेल पे, क्योंकि ओवम एक रिलीज करना है उसको, जो ओवम एक रिलीज करना है, पर स्पर्म बहुत सारे बनने हैं, स्पर्म क्या हो रहे हैं, बहुत सारे बनने हैं, पर यहां पे जो, क्योंकि क्या सिंगल स्ट्रक्चर, अगर नॉर्मल वैल्यू की देखो तो नॉर्मल वैल्यू इसकी कितनी होती है, अबव 50 मिलियन हाँ से ज्यादा होनी चाहिए स्पर्म काउंट पे। पर ओवम की बात करोगे तो ओवम तो एक ही रिलीज होना है ना, ओवम एक ही रिलीज होना है, बाकी जो दो, जो दूसरी सेल है वो क्या है, पोलर बॉडी है, वो सिर्फ क्या है, पोलर बॉडी, क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर कम है। पर यहां पे जो स्पर्म सेल है वो चार डेवलप होंगी, पर ओवम सिर्फ सिंगल डेवलप होगा, बाकी तीन क्या है, पोलर बॉडी। तीन क्या, क्यों, क्योंकि इस पे देखो, इस पे क्योंकि जब ये आगे चल के, जब यहाँ पे अलाइनमेंट की प्रोसेस हुई, सेल सेपरेट हुई, फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट डॉटर सेल एंड सेकेंड डॉटर सेल फॉर्म हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब सेल सेपरेट हो रही है तो फर्स्ट डॉटर सेल एंड सेकेंड डॉटर सेल डेवलप हो रही है, जिसको अपन बोल रहे हैं क्या, सेकेंडरी गैमेट, और क्या बोल रहे हैं, म्यूसिस सेकेंड। तो अलाइनमेंट में क्या हो रहा है, जो ये वाली प्रोसेस है, ये वाली प्रोसेस है, इस पे लिख सकते हो क्या, रैंडम असॉर्टमेंट एंड एलोकेशन, वही तुम्हारा जो इसका स्ट्रक्चर है, मतलब ये जो रैंडमली क्या हो रहा है, अरेंज्ड है, और क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, असॉर्टमेंट डबल स्ट्रक्चर होमोलोगस क्रोमोसोम, डबल स्ट्रक्चर होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। और साथ में क्या हो रहा है, डिसजंक्शन विच ईच अदर, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इनका फॉर्म है वो क्या हो रहा है, डिसजंक्शन हो रहा है, मतलब चीज क्या हो रही है, अलग हो रही है, जिनका फॉर्मेशन था वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ है, सेकेंडरी गैमेट फॉर्म हुआ है। अब यहाँ पे देखो, सेकेंडरी गैमेट फॉर्म हुआ है तो जो स्ट्रक्चर है, ठीक, नंबर ऑफ क्रोमोसोम अब कितने हो गए, वन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23, कितना 23, पर अनपेयर है, क्योंकि चीज क्या हो चुकी है, अब अलग हो चुकी है, तो वन स्मॉल एंड वन स्मॉल है विथ टू क्रोमेटेड, सिंगल स्ट्रक्चर है विथ टू क्रोमेटेड, मतलब टू कैपिटल है, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, 23, क्योंकि अब यहां पे जब चीज डिसजंक्शन हुई है तो यहां पे पहली चीज कितनी थी, 20, अभी वो डेप्लॉइड सेल थी, अभी वो कैसी थी, डेप्लॉइड सेल थी, पर अब वो कैसी है, हैप्लॉइड सेल है। जब ये चीज क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, जब डॉटर सेल बन रही है, तो जब यहाँ पे, क्योंकि सेल का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे 23 मतलब वन स्मॉल एंड, क्या वन स्मॉल एंड, क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम के बेस पे स्ट्रक्चर एक है, तो क्या हो रहा है, वन स्मॉल एंड, देन क्रोमेटिड स्ट्रक्चर कितना है, दो, ठीक, तो यहाँ पे कितना आएगा, टू कैपिटल एंड, सेम, तो ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट प्राइमरी, सॉरी फर्स्ट तुम्हारी ओसाइट बन जाएगा, ओसाइट, एंड यहां पे क्या होगा, फीमेल में फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक, देन मेल में, मेल के केस में क्या होगा, ओसाइट, सॉरी स्पर्मेटोसाइट, बोथ सेल क्या बनेगी, दो स्पर्मेटोसाइट डॉटर सेल बनेगी, और मेल, फीमेल में वन ओसाइट और दूसरी पोलर बॉडी। देन अब यहां पे क्या हो रहा है, अब यहां पे माइटोटिक डिवीजन होगा, क्या माइटोटिक डिवीजन होगा, तो यहां पे क्या हो रहा है, जो क्रोमोसोम्स है, अब यहां पे
जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या हो रहा है, जो क्रोमो जो सेंट्रोमियर है ना, वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, सेंट्रोमियर जो है वो अलग हो रहा है। जब सेंट्रोमियर अलग होगा तो दो डॉटर सेल फॉर्म हो रही है, हाँ दो डॉटर सेल फॉर्म हो रही है, जिसमें अपने को पता है यहां पे फीमेल फीमेल में क्या मिलेगा अपने को, ओसाइट और तीन पोलर बॉडी। ये क्या बन रही है, पोलर बॉडी। पर मेल में ये जो चार सेल बनेंगी, क्या मेल पे जो ये चार सेल फॉर्म कर रही हैं वो क्या है, स्पर्मेटोसाइट, और ये फीमेल में एक सेल बनेगी क्या, ओसाइट की, क्या ओवम, क्या फॉर्म करेगा ओवम, हाँ क्या ओवम और तीन पोलर बॉडी। पर मेल के केस में क्या होगा, एक ये चारों सेल फॉर्म होगी किस फॉर्म में, स्पर्म में, ठीक। तो यहां पे जो स्ट्रक्चर आ रहा है, जो इसके एलील आ रहे हैं वो किस तरीके से चेंज होंगे, ठीक। एक इसका रिव्यू देखो कि पूरी प्रोसेस हो कैसे रही है, ठीक है। अब चेंज बनी बात है, अपने पास मैटरनल एंड पैटर्नल, ठीक। मैटरनल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एंड पैटर्नल के पास 23। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए, जो कि कैसे हैं, डिप्लॉइड है। कैसे हैं, डिप्लॉइड है। यहां पे जो सेल स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है डिप्लॉइड से, चीज किस में बन रही है, हैप्लॉइड में। किसमें बन रही है, हैप्लॉइड में। क्यों, क्योंकि अब यहां पे क्योंकि सेल जो मियोसिस डिवीजन है उसका नाम ही है क्या, रिडक्शन डिवीजन, उसका नाम ही क्या है, रिडक्शन डिवीजन। तो अब यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ओसाइट में, पेयर में नहीं, सिर्फ 23 क्रोमोसोम, और मेल में भी एंड फीमेल में भी, ठीक है, ओसाइट या स्पर्म या ओवम पे। अब यहां पे देखो, जब 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, ठीक, अगली प्रोसेस में क्या हुआ, प्राइमरी गैमेट। प्राइमरी गैमेट में क्या हुआ कि जो अपना क्या था, ये क्रोमेटिक मटेरियल, ये क्या हुआ है, सेपरेट नहीं, ये क्या हुआ है, इसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ, जब ये तो दो फॉर्म हो गए, ठीक, एक से दो। देन अगली प्रोसेस में क्या हुआ है, ये जो क्रोमोसोम्स थे, ये जो अलग अलग थे, इनमें क्या हुआ, ये आपस में पास है, कब पास आ रहे हैं, जब अपनी चीज को ढूंढ रहे हैं, ठीक। देन उसके बाद क्या हो रहा है, क्रॉस ओवर। अब यहां पे क्या हो रहा है, ढूंढने के बाद चीज क्या हो रही है, क्रॉस ओवर, जब ये अपने अपने मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 एंड क्रोमोसोम नंबर 2, 3 एंड 4, 3, 3, 4, 4 जो जब ये आपस में आ रहे हैं, तो अब इनमें क्या हो रहा है, ये आपस में अटैच हो रहा है, जिसको अपन ने क्या बोला, क्रॉस ओवर। जब क्रॉस ओवर होने के बाद अगली प्रोसेस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ क्यास्मा, मतलब अब क्रॉस ओवर हो गए। जब क्रॉस ओवर हुए तो अब ये क्या कर रहे हैं, अपने अपने जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक्सचेंज किया। एक्सचेंज करने के बाद अब चीज क्या हो रही है, अलग होना स्टार्ट हो रही है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्यास्मा, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ क्यास्मा के बाद अब अगली प्रोसेस क्या है, जब ये अलग हुई तो अब इसके पास पता है, पैटर्नल के मैटर्नल के पास पैटर्नल की चीज प्रेजेंट है और पैटर्नल के पास मैटर्नल की चीज प्रेजेंट है। अब यहां पे अलाइनमेंट की प्रोसेस हो रही है और सेल क्या हो रही है, साइटोडिफरेंशिएशन, मतलब सेल क्या है, अलग अलग सेपरेट होना स्टार्ट हो रही है। जब ये सेपरेट होना स्टार्ट हो रही है तो अब फॉर्म हो रहा है क्या, दो डॉटर सेल, एक डॉटर सेल और दो डॉटर सेल, जिसमें अपने को पता है कि यहां पे मैटरनल एंड पैटर्नल। तो इस तरीके से इनमें क्या हो रहा है, चीज आकर फॉर्म कर रही है क्या, फर्स्ट डॉटर सेल एंड सेकेंड डॉटर सेल, ठीक। जब ये चीज डेवलप हो रही है, जिसको अपन बोलते हैं क्या, सेकेंडरी गैमेट और या तो मियोसिस सेकेंड, ठीक। अब यहां पे जो कि अब यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए, डिक्रीज हो गए नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्या हो गए, क्योंकि अभी तक कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, 46 थे, पर जब चीज अलग हो गई, सेपरेट हो गई, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, 46। पर यहां पे मैटरनल के पास पैटर्नल की चीज प्रेजेंट है और पैटर्नल के पास मैटर्नल की चीज प्रेजेंट है, मतलब एलील्स प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, 23, मतलब स्मॉल एंड एंड टू कैपिटल एंड, क्रोमेटिक मटेरियल उसके पास हुए। देन आगे चल के देखो, ये म्यूटिक माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन के बाद अब ये सेल, अब ये पूरी सेल कैसी है, ये हैप्लॉइड सेल हो गई। ये कैसी सेल हो गई, हैप्लॉइड सेल हो गई, क्योंकि यहां तक ये चीज डिप्लॉइड थी, पर यहां अब क्या हो गई, हैप्लॉइड हो गई। क्यों हैप्लॉइड हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिक्रीज हो गए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक है तो ये डिप्लॉइड है, भले यहां पे जेनेटिक एक है, पर ये क्या कैसी है, क्योंकि 23 इसके पास भी, 23 इसके पास भी है, तो नंबर टोटल कितनी चीज हो गई, 46, तो कितनी हो गई, डिप्लॉइड। पर यहां पे जब चीज अलग हो गई, सेल अलग हो गई, तो 23 इधर आ गया, 23 इधर आ गया, तो टोटल अब चीज कितनी हो गई,
23 सिंगल 23 तो चीज अब क्या कहलाएगी हैप्लॉइड। ठीक, देख अब ये हैप्लॉइड सेल क्या कर रही है, अब इनके पास दो क्रोमेटिड मटेरियल है, अब सेंटोमियर सेपरेट होंगे और दो चीज फॉर्म कर रहे हैं। ठीक, जिसमें से अब फीमेल के केस में क्या हो रहा है, यहां पे ओवम डेवलप हो रही है एंड सेकंड फर्स्ट पोलर बॉडी, क्या फर्स्ट पोलर बॉडी। देन आगे चल के देखो यहां पे क्या हो रहा है, जो साइटो जब यहां पे सेंटोमियर सेपरेट हो रहा है तो एक स्ट्रक्चर, अब ये भी क्या हो रहा है 23, क्योंकि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक, वो क्रोमेटिड मटेरियल सेपरेट हो रहा है ना, क्या सेपरेट हो रहा है क्रोमेटिड मटेरियल, मतलब दो दो सेंटोमियर फॉर्म हो रहे हैं। तो जिसके पास अब एक में देखो, एक स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है तुम्हारा, मैटरनल में किसका प्रेजेंट है, पैटर्नल का। ठीक, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं 23 और हैप्लॉइड। हाँ ठीक, क्रोमेटिड मटेरियल सिर्फ एक है। फीमेल में ये तीन क्या बनी है, पोलर बॉडी। क्यों, क्योंकि जो इनके पास साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कम है। ठीक, देन मेल के केस में क्या है कि दो स्पर्मेटोसाइट डेवलप हुई है, दो स्पर्म डेवलप हुए। ठीक, देन यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23, वन स्मॉल एन, टू कैपिटल एन, क्रोमेटिड मटेरियल दो। तो जब आगे चल के ये सेपरेट हो रहे हैं, सेंट्रोमियर सेपरेट हो रहा है, तो यहां पे एक और दो जो चार स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं, है ना, ये चारों क्या है, स्पर्म। ठीक, क्योंकि फीमेल में डेवलप हो रहे हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड सेल। तो इसको अपन बोलते हैं क्या, मियोसिस डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन, कोई कंफ्यूजन? 23 पेयर तब होगा जब यहां से चीज स्टार्ट हुई थी, ओगोनिया एंड स्पर्मेटोगोनिया। तो ये अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूं, ठीक, मैं अगर इसको समझो जो 23 पेयर कब होगा, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे बॉडी में अभी क्रोमोसोम्स कितने प्रेजेंट है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। पर जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी तो मेरे स्पर्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 23 होंगे, हैप्लॉइड सेल होगी। क्यों, क्योंकि अब पर जो उसके अलील्स हैं, वो मैटरनल के भी होंगे एंड पैटर्नल के होंगे, मतलब मेरे मदर के भी होंगे और मेरे फादर के भी होंगे। पर अब पर ये स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, देन अब ये स्पर्म अगर उस साइड के पास जा रहा है, हाँ, तो अब यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, एक स्पर्म और ओवम। तो जब यहां पे दोनों फर्टिलाइज होंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए। तो वापस से ये हैप्लॉइड से डेप्लॉइड में कन्वर्ट होगी, जो कि एक नई जायगोट का फॉर्म करेगा। पेयर से अनपेयर कब हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहां पे देखो कि ये चीज कंटिन्यू चल रही है, अलाइनमेंट की जब प्रोसेस हो रही है, ठीक, तो यहां पे अलाइनमेंट की प्रोसेस पे ऐसे समझो इसको, ये क्या था अलाइनमेंट की, ठीक, अलाइनमेंट की प्रोसेस हुई। अलाइनमेंट की प्रोसेस में क्या हो रहा है कि अभी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं 23 पेयर, अभी कितने हैं 23 पेयर। जब क्यों, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ चार्ज में हुआ, जब ये अलाइनमेंट की प्रोसेस हो रही है तो चीज क्या हो रही है, यहां तक कि क्रॉस ओवर तक सेल कितनी है, 23 पेयर पे। जब अलाइनमेंट की प्रोसेस हो रही है मतलब चीज क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है। जब सेल सेपरेट हो रही है यहां से, जब सेल सेपरेट हो रही है तो 23 क्या होंगी, अलग होंगी। ठीक, तो 23 इधर आ जाएगी और 23 इधर आ जाएगी। तो जो 23 पेयर था, जो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर मतलब 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिसको अपन क्या बोल रहे थे, डेप्लॉइड सेल बोल रहे थे, अब यहां की प्रोसेस में वो बन जाएगी क्या, हैप्लॉइड सेल। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। तो अब ये फॉर्म कर रही है क्या, फर्स्ट डॉटर सेल एंड सेकंड डॉटर सेल। ठीक, अब ये सेकंड डॉटर फर्स्ट डॉटर सेल आगे चल के ये दोनों भी क्या हो रही है, अलग फॉर्म कर रही है। तो मेल के केस में अब यहां पे क्या हो रहा है, अब लेस ये
ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है अपने को, पैटर्नल के एलील्स मिल रहे अपने को, यहाँ पे किसके एलील्स मिल रहे, मैटर्नल के एलील्स मिल रहे, है ना। तो फीमेल के केस में, किसके केस में, फीमेल के केस में ये चीज क्या हो रही है, एक ओवम फॉर्मेशन हो रहा है, तीन पोलर बॉडी, ठीक। और मेल में क्या हो रहा है, चारों सेल जो फॉर्म हो रही है क्या फॉर्म कर रही है, स्पर्मेटोसाइट। अभी क्लियर हो, कोई कंफ्यूजन, ठीक है, चलो।